नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रीत सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो नंबर सिस्टम के अलावा एक और है। नंबर सिस्टम में सिर्फ अपने चार पॉइंट करेंगे आज, और उसके अलावा थोड़ा सा अपने डेसिमल के ऊपर, दशमलव पर चर्चा करेंगे। नंबर सिस्टम में आपको सभी को पता है कि पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं। पॉजिटिव नंबर की अगर डेफिनेशन देखें तो व्हाट इज़ द पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर मीन्स जीरो से जितनी भी ज़्यादा टर्म्स हैं, बड़ी टर्म्स हैं, जीरो से बड़ी टर्म्स हैं वो सारी की सारी किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, इवन वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव के अलावा अगर नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो ऐसे नंबर्स जो क्या हों, जीरो से छोटे हों, जैसे कि माइनस वन, माइनस हाफ, माइनस टू बाय थ्री, माइनस फाइव बाय टू एंड सो ऑन। लेकिन दो नंबर ऐसे हैं जिनकी मतलब इतनी नॉलेज नहीं है मोस्टली पीपल्स को। एक तो आता है नॉन पॉजिटिव, एक आएगा नॉन नेगेटिव। अगर सिंपल डेफिनेशन हो तो अपने क्या कहेंगे, नॉन पॉजिटिव ऐसे नंबर जो पॉजिटिव नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे नेगेटिव हैं, बल्कि ऐसे नंबर जो पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं का मतलब जो इसमें पॉजिटिव नहीं है, देखो सारे कौन हैं, नॉन पॉजिटिव मतलब सारे के सारे नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जीरो नहीं है लेकिन नॉन पॉजिटिव में जीरो आएगा। सेम नॉन नेगेटिव के अंदर जीरो इंक्लूडिंग ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव में कभी जीरो नहीं आता, क्योंकि इनकी डेफिनेशन ये रहती है कि पॉजिटिव मीन्स जीरो से बड़ी संख्या, नेगेटिव मीन्स जीरो से छोटी। लेकिन नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव के अंदर इंक्लूडिंग जीरो, क्योंकि नॉन पॉजिटिव मीन्स जो पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है मीन्स जीरो भी इसमें आएगा। पॉजिटिव वाली सारी टर्म्स को छोड़ के जितने भी नंबर हैं वो सारे इसमें आएंगे नॉन पॉजिटिव में, सिमिलरली नॉन नेगेटिव में। डेसिमल की बात करें तो डेसिमल दो तरह के मिलेंगे आपको, एक तो मिल जाएंगे शांत या टर्मिनेटिंग, और एक मिल जाएंगे अशांत नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। शांत का मीन्स ऐसी टर्म्स जो जीरो के, जीरो या कोई भी नंबर है उसके पॉइंट के एक डेसिमल जो है, डेसिमल के कुछ एक टर्म्स के बाद में वो नंबर क्या हो जाती है, रुक जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। जैसे कि अगर अपने कहें 2.565, ये यहाँ आके क्या होगी, टर्मिनेट होगी। टर्मिनेट टर्म्स जो हैं इनको अपने किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इजीली पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो क्वेश्चन पेपर में आ जाती है, यहाँ पे क्यू जो है वो 2 की पावर और 5 की पावर में अपने लिख सकते हैं। जैसे कि इस नंबर को चेंज करना चाहें तो डेसिमल उड़ा के अपने 3 डिजिट हैं तो मीन्स कितनी जीरोस आ जाएंगी, 3। यहाँ पे 1000 को अगर अपने लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। इसीलिए ये क्या है, यहाँ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया, क्यू नॉन जीरो है और क्यू क्या है 5 और 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। बात करते हैं अशांत की। अशांत के अंदर दो मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा आवर्ती या रिपीटिंग या इसको रिकरिंग कह देते हैं, एक मिल जाएगा आपको अनावृत्ति। अनावृत्ति मतलब नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग के अंदर अपने कई बार देखते हैं 1/3 है, 2/3 है, इनको अगर डिवाइड करते हैं तो एक ही डिजिट क्या होगा, रिपीट होता रहता है और चलता रहता है, ठीक। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति टर्म्स भी अपने चेंज कर सकते हैं किसके अंदर, पी अपॉन क्यू की टर्म में। लेकिन यहाँ जो क्यू है वो 2 और 5 के मल्टीपल्स में ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उसमें हो। जैसे कि इसी को अगर अपने देखें तो 0.3 पर बार लगा सकते हैं। बार का मीन्स जो टर्म रिपीट हो रही है, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर बार लगा सकते हैं। और इसको चेंज करने का सिंपल तरीका है, जितने टर्म्स पे पहले वही डिजिट लिख लो ऊपर, जितने टर्म्स पे बार हैं उतने 9 आ जाएंगे और जितने टर्म्स पे बार नहीं है उतनी 0 आ जाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं है चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, 1/3। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने कहें
कि कोई नंबर है 0.252525 एंड सोन, ये चलता जा रहा है, तो मतलब अपने 0.25 पे बार लगा सकते हैं। अगर इसको लिखना चाहूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, 25/99। ठीक, अनावृत्ति के अंदर कुछ एक टर्म्स ऐसी होती हैं जो मतलब पॉइंट के बाद में चलती रहती है लेकिन रिपीट नहीं होती, जैसे 7, 4.70707000007 एंड सोन। ये कुछ एक टर्म्स हैं जैसे कि वो रिपीट नहीं होगी, इन्हें कहते हैं अनावृत्ति। और किसमें आती है, ऐशान दशमलव, दशमलव है अनावृत्ति, आवृत्ति नहीं हो रही और ऐशान तक खत्म भी नहीं हो रही, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये, क्योंकि इसमें अपने बार पे नहीं लिख सकते, इसको 0.7 नहीं लिख सकते, 0.007 नहीं लिख सकते, क्योंकि जीरोस जो हैं इंक्रीज होती जा रही हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप पहले वाले की तरह इसे भी बहुत 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 लाइक और शेयर करें आगे से आगे। थैंक यू सो मच।